नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं एमपी जज जो मेंस होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में। एमपी जज के मेंस में किस किस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा ये 400 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन आपके लिए तब होगा जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा, और तब जो प्री क्लियर करेंगे वो मेंस के लिए मेन्स एग्ज़ाम को वो दे सकेंगे। इस वेबसाइट लिखी हुई है, इस पर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अभी तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, खैर अभी तो कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए, जो एग्ज़ाम होगा मुख्य परीक्षा का वो दो शिफ्टों में होगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा की तिथि बाद में बता दी जाएगी जब भी प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद भी कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एमपी ये पता लग जाएगा। तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा वो किस प्रकार का होगा, मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जाएगी, और मुख्य परीक्षा चार प्रश्न पत्र, इसके चार प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 3 घंटे का होगा। देखिए, चार पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर जो है 3 घंटे का होगा। जो ये जो लिखित परीक्षा होगी ये मतलब सब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। दो शिफ्ट में पेपर ये होगा, दो शिफ्टों में। और बाकी देख लेते हैं सिलेबस। जो आपका पहला प्रश्न पत्र होगा उस प्रश्न पत्र में संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया, इन सबसे क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, संविधान से, सिविल विधि से और प्रक्रिया विधि से, ठीक है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे, भारत का संविधान और सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि CPC, TPA संपत्ति अंतरण अधिनियम, भारतीय संविधान अधिनियम, वृद्धनिष्ठ अनुतोष अधिनियम और परिसीमा अधिनियम। इन सब्जेक्ट से आपका एक पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, पहला पेपर होगा ये। फ्रेंड्स, तो आपको इन सब्जेक्ट को अच्छे से करना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आपको इतना अच्छा होगा। बाकी मैं आपको वीडियो बना करके सबके नोट्स में आपको बता दूँगी। पहले हम लोग अभी IPC कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी उस वीडियो को देख सकते हैं। IPC पहले हम जल्दी कवर ख़त्म कर लेंगे उसको, आगे देखते हैं और क्या क्या आने वाला है। सेकेंड पेपर होगा आपका, तो इसमें ये होगा आपका निबंध का, पत्र लेखन एवं संप्रेषण, इससे संबंधित होगा ये। 100 क्वेश्चंस का, 100 नंबर का होगा ये भी। तो इसमें लेख लिखना होगा, निबंध यानी कि सामाजिक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, तो 30 नंबर का होगा। और लेख आपको विधिक विषय पर, जो लॉ से संबंधित विषय हैं उन पर आपको निबंध दिया जाएगा, वो आपको लिखना है। निबंध की प्रैक्टिस आप कीजिए। और संक्षिप्तीकरण लेखन ये आपको 20 नंबर का होगा, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद 15 नंबर का, और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ये 15 नंबर का, ठीक है। ये सब जो है तो आपका सेकंड पेपर होगा। ये सब, इस सब में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स। अगला क्वेश्चन होगा पेपर, क्वेश्चन पेपर होगा आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर, जिसमें से आपको ये भी 100 मार्क्स का होगा। बताया था मैंने आपको चार पेपर होंगे, चारों 100-100 मार्क्स होंगे, टोटल 400। तो तीसरा पेपर होगा, इसमें से आएगा मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये सब आएगा, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो धारा 138 से 147 तक, इसमें ज़्यादा फोकस करना इसमें से आएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी तक वीडियो अपलोड की हुई है आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो बताए हुए हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो उससे आपको ये होगा कि आपको जो सेक्शन है वो आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक अच्छा आंसर लिखते हैं और उसमें अगर आप सेक्शन या फिर केस मेंशन नहीं करते तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो अगर आप जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सपोज़ आपसे पूछा गया है कंप्लेन की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है CRPC में, ठीक है, तो आप कंप्लेन की डेफिनेशन लिख देंगे कहाँ है। या अगर आप ये नहीं लिखेंगे कि CRPC में कंप्लेन को कहाँ डिफाइन किया गया है, यानी कि अगर आप 2D मेंशन नहीं करेंगे ना सेक्शन 2D, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि मतलब आप समझ सकते हैं। अगर आप सेक्शन डिफाइन कर देंगे और केस उसमें मेंशन कर देंगे तो आप अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और एग्जामिनर आपको मार्क्स फुल देगा, ठीक है। तो आपको सेक्शंस याद होने चाहिए, जो जो आने वाला है पेपर में उसमें से आपको सारे सेक्शन याद होने चाहिए कि किस सेक्शन में क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। अगला है आपका फोर्थ पेपर होगा, इसमें आएगा विवादकों का स्थिरीकरण, ये आएगा 10 नंबर का, आरोपों का विरचन ये आपको 10 नंबर का आएगा, और 40-40 नंबर का आपको आएगा निर्णय और आदेश सिविल लेखन, मतलब सिविल से आएंगे, और दंडिक जो है क्रिमिनल, इससे आपको लेखन लिखना होगा, ये आएगा 40-40 नंबर के, दोनों आएंगे
निर्णय और आदेश लेखन, निर्णय और आदेश लेखन एक सिविल में और एक दांडिक मामले में, तो 40-40 नंबर के होंगे। टोटल आपके 400 नंबर हो गए हैं, ये सब आपको आएंगे। इन सब को फोकस करके आपको तैयारी करनी है, तो आप इनमें से किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, सब आपको करना होगा। देखिए ऐसा ही, किसी का कोई पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का कोई पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि अभी प्री हुआ है, तो आप रिजल्ट का इंतज़ार बिल्कुल मत करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ज़रा सी भी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप रिजल्ट का वेट मत करिएगा। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होने वाला है, सपोज़ अगर किसी वजह से बेकार आपका पेपर चला गया, मेरिट हाई चली गई, और आपका सिलेक्शन एक दो नंबर से या फिर ज़्यादा नंबर से रुक जाता है, तो फ्रेंड्स स्टडी को ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो ये अदर स्टेट के भी काम आएंगे। अब जैसे और स्टेट में वैकेंसी जब आएंगी यूपी में, जैसे कि आने वाली है, अभी मुझे यूपी का पता है, यूपी में जज की वैकेंसी आएंगी फ्रेंड्स, और एपीओ की पोस्ट आएंगी, तो उसमें भी तो ये सब आने वाला होता है। तो आप स्टडी को ब्रेक मत कीजिएगा, जितनी वीडियो मैंने डाली हैं आप उनको देख लीजिएगा, और बाकी वीडियो मैं आपके लिए और बनाती रहूँगी, नोट्स मैं आपको उसमें देती रहूँगी, जैसे वीडियो बनती रहेगी मैं आपको नोट्स ग्रुप में सेंड करती रहूँगी। और फ्रेंड्स एक बात और, आप वो बोलते हैं कि मुझसे व्हाट्सअप नंबर क्या है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर पहले ही मेंशन करा दिया था आप डिस्क्रिप्शन में। और बाकी मैं और आपसे ये कहना चाहूँगी, जैसे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा टाइप करता है कि मैम व्हाट्सअप नंबर बता दीजिए, तो प्लीज़ आप भी मेरा व्हाट्सअप नंबर, मतलब उस बच्चे को आप पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप जवाब दे सकते हैं कि ये नंबर है, क्योंकि सबका मतलब मेरे पास सच में इतना नहीं होता है कि मैं जवाब दूँ। थोड़ी देर के लिए बस मैं ऐसे देख लेती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, बस उसके बाद में मैं बंद कर देती हूँ, मैं नहीं देखती फिर। तो आप प्लीज़ नंबर बता दीजिए कीजिए, और बाकी मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर पहले ही बताया हुआ है, अगर आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा करें तो आपको पता लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ वीडियोज़ में अपना नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स और जो भी मेरी तरफ से हेल्प होगी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर नंबर तो आपके पास है ही, आप मुझे बता दीजिएगा। ग्रुप में स्टूडेंट्स आपस में बातें करते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, खैर वो तो कोई नहीं, स्टडी से रिलेटेड बात हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए स्टडी से रिलेटेड बातें। तो फ्रेंड्स आप मेंस को लेकर के हम पढ़ाई करते हैं, और अदर स्टेट में जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसके बारे में भी हम लोग बात, मतलब मैं वीडियो बनाती रहूँगी, और आप उनको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है।